जगह हम देखते हैं कि छोटा सा अगर वार्ड कमिश्नर भी लोग बन जाता है ना तो अपने आप को विधायक से कम महसूस नहीं करता है। यहाँ पर अभी एक हमारे सामने नौजुवक किसान है जो कि इनके पिताजी अभी मुखिया हैं कि पूर्व मुखिया थे, अब मुखिया नहीं हैं, पूर्व मुखिया थे, उनके लड़का हैं ये और इन्होंने भी खेती किया। सोच लीजिए कि 7 बीघा है पर बहुत लोग बोलते हैं कि हम पढ़ल लिखल रहती तो हम खेती करती। खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। और देखिए इनसे कुछ सीखिए कि जो लड़का बोलता है कि हम पढ़ाई किए हैं, अगर पढ़ाई अगर किए होते तो हम खेती करते। पर खेलता है अरबपति है ही नहीं कि करोड़पति। खेती करना कोई गलत नहीं है लेकिन सही तरीका से होना चाहिए। हाँ, नियम उसका है कि सही तरीका से कीजिएगा, खेती में भी बहुत सारा बेनिफिट है। और हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है, सबको आगे आना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को नॉलेज लेकर के आना चाहिए। और इनका भी परवल लगा हुआ है, इनसे भी बातें करेंगे, इनका परवल अभी मचान में लगा हुआ है। हाँ, चलिए देखते हैं इनसे बातें करेंगे। चलिए अभी हम आ चुके हैं इस भाई का खेत पे जो कि नौजुवक किसान है। क्या नाम हुआ भाई? सुभाष कुमार। सुभाष जी अभी कितना उम्र होगा? 18 वर्ष। सुभाष जी 18 वर्ष के हैं, कितना पढ़ाई लिखाई कितना है? 12th पास कर गए हैं कि 12th में है? पास कर गए। 12th करके और अपने गार्जियन को खेती बाड़ी में सहयोग कर रहे हैं। और इनसे अभी पूछेंगे भी कि कितना इनकम करते हैं, कौन कौन सब्जी लगाते हैं। पहले इनका थोड़ा सा परवल हम दिखाती हैं जो साइड में दिख रहा है, इन्हीं का अभी है ना, इन्हीं का परवल है, आप देखिए। और अभी परवल का सीजन ख़त्म हो चुका है, परवल फलने का टाइम नहीं है, फिर भी इन्होंने अब देखिए यही कहते हैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती करेगा। देखिए कितना बढ़िया अभी इसमें फल लगा हुआ है, दिखाइए जूम करके। हाँ, ये देखिए परवल का सीजन ख़त्म हो रहा है लेकिन फिर भी जिनके पास नॉलेज है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कोई भी काम करेगा बढ़िया करेगा, बेहतरीन करेगा। देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा अभी इनका परवल बचा हुआ है। आप एक बात बताइए, इसमें कौन कौन सा ज़्यादा रासायनिक तो यूज नहीं ना करते हैं? नहीं। तो हम ये अपील करेंगे कि कम से कम रासायनिक खाद या छिड़काव कीजिए ताकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप लोग जितना जल्दी से उपजाने के लिए, बढ़िया फल करने के लिए बहुत आप लोग मतलब रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का ना कीजिए। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज लोग जब ये खाद का आविष्कार उतना नहीं हुआ था रासायनिक का, तो वो ऑर्गेनिक से ही खेती करते थे और अच्छा खासा मतलब कि फसल उत्पादन करते थे। तो हम यही कहेंगे कि जितना भी अगर जैविक है उसको अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों को दिखा रहे हैं मर्दाना वाला फूल कैसा होता है, इसको पहचान कीजिएगा। थोड़ा हाथ जूम करके दिखाते हैं, देखिए इसमें फल नहीं है केवल फूल है। तो इस तरह का रहेगा, 8 से 10 गाछ जहाँ रहेगा वहाँ पे एक इसको लगाना है। जगह हम देखते हैं कि छोटा सा अगर वार्ड कमिश्नर भी लोग बन जाता है ना तो अपने आप को विधायक से कम महसूस नहीं करता है, लेकिन भाई का पिताजी मुखिया रह चुके हैं और अभी देखिए कितना बढ़िया मेहनत करते हैं और हाथ बटाते हैं, साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और नौकरी के लिए तैयारी भी करते हैं। और इन्होंने ज़मीन का छोटा छोटा टुकड़ा भी कितना बेहतरीन इस्तेमाल किए हैं आपको दिखाते हैं कि देखिए ये रास्ता है आने जाने का रास्ता है, इस रास्ते के तरफ भाई आ गया, जा तू आ जा। ये आने जाने का रास्ता है, इस रास्ता को मतलब कि कैसे इस्तेमाल किया जाए, आने जाने के लिए तो है ही लेकिन इसमें दोनों साइड भाई हल्दी लगा दिया है, हल्दी भी निकल जाएगा। अभी हम भाई से कुछ इनकम के बात करेंगे कि इन्होंने परवल से कितना कमाते हैं, कितना कट्ठा लगाए हैं। आप परवल कितना कट्ठा लगाए हैं? इधर देखिए कैमरा पर देखिए, 2 बीघा लगाए हैं परवल। 2 बीघा लगाए हैं। ये कितना साल पुराना परवल है? 2 साल पुराना है। 2 साल पुराना परवल है। आप 2 बीघा लगाए, 1 कट्ठा में मिनिमम कितना निकल जाता होगा? 1 कट्ठा में हाँ कितना केजी निकल जाता होगा? 1.5 क्विंटल निकल जाता है। 1 कट्ठा में 1.5 क्विंटल? हाँ 1.5 क्विंटल बोले तो 150 केजी। हाँ 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल भी निकल जाता है 1 कट्ठा में। हाँ अरे वाह। और कैसे केजी माने बिकता है? 50 रुपये मिनिमम। मिनिमम 50 रुपये, सोच सकते हैं 1 कट्ठा में। भाई का कहना है कि 100 से 150 केजी यानी 1 से 1.5 क्विंटल निकलता है, कभी कभी 2 क्विंटल भी निकल जाता है। वो परवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपका परवल का आपने संस्कार दिया है, सेवा किया है कि नहीं। हाँ
तो अब एक बात बताइए, कितना दिन पे तोड़ते हैं? 8 दिन 9 दिन तोड़ते। यानी मुश्किल से एक हफ्ता में इन्होंने 1 से 1.5 क्विंटल परवल तोड़ते हैं एक हफ्ता में, यानी 8 से 10 दिन में मिनिमम तोड़ लेते हैं। 50 केजी के हिसाब से, 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि अगर एक कट्ठा में अगर मिनिमम 100 किलो भी निकल रहा है तो कितना बढ़िया प्रॉफिट है, आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद भाई 2 बीघा लगाए हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई कितना आमदनी कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं खेती से कर रहे हैं। और उधर देखिए मचान, उसमें बैठ करके पढ़ाई भी करते हैं। थोड़ा सा उधर मचान दिखाना, ये जो मचान दिख रहा है भाई अपने उसमें स्टडी भी करता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे। ये देखिए यही मचान है, ये चाइना का मचान है। चाइना का है ना? हाँ। चाइना का नहीं, मतलब चाइना का टेक्निक है। हाँ। इसमें काफ़ी जोर देने के बाद, थोड़ा दूर से दिखाइए तब दिखेगा बढ़िया, काफ़ी मजबूत रहता है यार। नहीं मतलब इस पे लोग, हमको लगता है कि इसमें झूल जाता है फिर भी लोग है ना, मतलब ये हिलता उलता नहीं है, मतलब इसका जो खंभा खुम्बी है देख सकते हैं इसका बनाने का टेक्निक। आप अगर खेती करना चाहते हैं इसका तो इस तरह का बनाइएगा। ये तार कैसे मिलता होगा? ये किलो के हिसाब से, किलो केजी के हिसाब से ये तार मिलता है। क्या चीज़? लोहा वाला है ना? लोहा वाला है। और ये जो है ये सबसे टेक्निक है, इसको जब आप बनाइएगा तो इसके 2 फीट नीचे गड्ढा खोद करके और इस तार में, बता देना भाई बैठ के बता दो, एक ईटा का 2 हिस्सा करते हैं, उसके बाद उसको मिस्त्री बांध के लगा देते हैं नीचे आधा ईटा, और फिर एक ईटा यहाँ भी लगाते हैं, एक ईटा इसके नीचे देते हैं। उसको देने से कि मतलब इधर उधर मिट्टी से नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ अभी देखिए भाई टेक्निक बताया कि एक ईटा का 2 हिस्सा करके, एक तो है इसके जड़ के नीचे, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, ताकि इसका मिट्टी मतलब धंसे नहीं, बारिश का पानी हो या पटाते समय इधर उधर नहीं हो। नहीं। और दूसरा ईंटा जो है, दूसरा टुकड़ा, वो इसके अंदर 2 फीट अंदर गड़ा हुआ है, इसमें तार में लपेट करके रोलिंग करके, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 खुम्भी दे करके, 2 सपोर्ट दे करके इसको इस तरह का बनाया गया है। और देख सकते हैं ये मचान अभी नया मचान बना हुआ है परवल के लिए। अगर ऊपर में परवल दो तरह से फलता है, एक नीचे भी फलता है और एक ऊपर में फलता है, तो नीचे वाला थोड़ा कम फलता है और ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा फलता है, तो अधिकतर लोग इस तरह का लगाते हैं। और ऊपर में लगाने से ये बेनिफिट है कि इसके नीचे, जब अगर परवल आपका छोटा है तो आप इसके नीचे भी कुछ लगा सकते हैं। जिन्होंने ये भाई राजमा लगाई, ये क्या चीज़ है? बीन्स है। ये है बीन्स। अच्छा, राजमा लगा सकते हैं, बोकला लगा सकते हैं। जी जी, और राजमा बीन्स कोभी भी लगा सकते हैं। और कोभी भी लगाए हैं ये राजमा बीन्स कोभी, यानी कुल मिला करके 3 महीना के लिए आप कुछ भी लगा लीजिए जो कि मतलब थोड़ा छाया में भी हो जाए, और 3 महीना के अंदर आप जो फसल निकालना चाहते हैं। ये पुनः परवल आपका मार्च से निकलना चालू हो जाएगा। मार्च से ये पुनः मार्च से निकलना चालू होगा परवल। ये आर के किनारे किनारे इन्होंने हल्दी लगा दिया है, मैंने खेत का भरपूर इस्तेमाल किए हैं ये। तो फाइनली हम परवल के लिए आप लोगों को दिखाएं कैसा मचान होना चाहिए, क्या इसमें इनकम है और कैसे कैसे लगता है, और हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन चीज़ आपको दिखाएं। और हमारे किसान भाई जो कि ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जो खेती से परेशान रहते हैं, मेन बात है नॉलेज की अभाव है, वो लोग अपने मेहनत के अनुसार एक्सपीरियंस लेकर के काम करते हैं, कुछ ना कुछ मैंने काम करते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो पढ़े लिखे लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा खासा खेती में लोग कमा सकते हैं। और बस हम कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में लाएं, और हमारे किसान भाई उसे कुछ जिसको जानकारी नहीं है कुछ जानकारी लें और काफ़ी लाभ उठाएं खेती से। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो केवल लाइक कर दीजिए, पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत लोग देखते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, देख करके और कट मार लेते हैं, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, अपने ग्रुप में भेजें, चाहे जिसे भी भेजें ग्रुप में भेजें, प्लस लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और इसी माध्यम से जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।